नमस्कार साथियों, मैं सीमा गुप्ता आज आप सभी के बीच अत्यंत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने वाली हूँ। और वह विषय है सफलता के लिए क्यों महत्वपूर्ण है निबंध में अधिकतम अंक प्राप्त करना। फ्रेंड्स, आप सभी महसूस करेंगे कि यदि आप निबंध में बेहतर अंक प्राप्त करने की क्षमता रखते हैं तो निश्चित रूप से आप सभी न सिर्फ अपने परीक्षा में सफलता प्राप्त करेंगे बल्कि आप बेहतर रैंक भी प्राप्त करते हैं। ध्यान रखें, सामान्य अध्ययन में जो प्रतिस्पर्धा है, लगभग सारे जो सफल होने वाले युवा होते हैं वो एक दो या तीन प्रश्नों से ही आगे पीछे होते हैं, या बहुत मान लीजिए तो पांच या छह प्रश्नों से आगे पीछे होते हैं। लेकिन जो भी निबंध में अधिकतम अंक प्राप्त करता है उसमें कुछ ज्यादा गैप भी देखा गया है। साथियों, विगत वर्षों के जो परीक्षा आयोजित किया गया, जैसे समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी 2010 बैच का हो या 13 बैच का हो, 14 बैच का हो, 17 बैच का हो या 16 बैच का हो, आप देखेंगे कि जिन्होंने निबंध में बेहतर अंक प्राप्त किए हैं उन्होंने सफलता के साथ बेहतर रैंक भी प्राप्त किए हैं। आप टॉप 30 सफल युवाओं के मार्कशीट का यदि एनालिसिस करें तो ये ट्रेंड देखेंगे कि जिन्होंने निबंध में अधिकतम अंक प्राप्त किया वो सुनिश्चितता प्राप्त की। तो मैं बार बार आप सभी की ये बात क्यों रिपीट की, वो इसलिए कि क्योंकि अभी भी आप में से बहुत सारे हमारे ऐसे युवा हैं जो कि निबंध लेखन से संबंधित कार्य नहीं कर रहे हैं, और जब तक आप निबंध लेखन से संबंधित कार्य नहीं करेंगे तब तक कहीं ना कहीं फ्रेंड्स आप ऐसे में अधिकतम अंक प्राप्त नहीं कर पाएंगे। और मुझे पूरा भरोसा है कि यदि आप इसी सप्ताह से हर वीकेंड पर मात्र 3 से 4 घंटा निबंध के लिए समय देते हैं तो 100% फ्रेंड्स आप ऐसे राइटिंग स्किल को डेवलप कर लेंगे। आप सभी को अवगत कराना है कि यदि आप ऐसे के लिए थोड़ा सा भी गंभीर हो जाए सप्ताह में 3 से 4 घंटा तो 100% आप बेहतर अचीवमेंट ऐसे में प्राप्त कर सकते हैं। फ्रेंड, ये ध्यान रखें, यदि अभी से आप लिखेंगे तभी आप बेहतर अंक प्राप्त करेंगे। ऐसा ना हो कि आप सभी अन्य विषयों पर तो पूरी मेहनत कर रहे हैं, लेटर राइटिंग हो, जीएस हो, हिंदी हो, लेकिन आप ये सोच रहे हैं कि ऐसे लास्ट मोमेंट में हम सभी तैयार कर लेंगे, तो ये कदापि आप गलती नहीं करेंगे। अब फ्रेंड्स, आप सभी को मैं कुछ गुरु मंत्र देने वाली हूँ कि ऐसे में धारा प्रवाहता कैसे लाया जाए। जैसा कि आप सभी अवगत हैं कि जब तक आपके ऐसे में धारा प्रवाहता नहीं होगा तब तक आप अधिकतम अंक प्राप्त नहीं कर पाएंगे। और मैं अपने एक क्लासेस में ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि संघ लोक सेवा आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग द्वारा उन्हें निबंध में अधिकतम अंक दिया जाता है जिनका निबंध में धारा प्रवाहता होता है। एक पैराग्राफ दूसरे पैराग्राफ से कोरिलेट करते हुए उस निबंध की समावेशी पक्षों को समायोजित किया जाता है। आप सभी द्वारा लगातार निबंध उपलब्ध कराए जा रहे हैं जो कि मेरे द्वारा टेस्ट सीरीज आयोजित कराया जाता है, उसके क्रम में व्हाट्सएप नंबर पर निबंध उपलब्ध कराया जाता है। जब मैं आप सभी के निबंध को जांच करती हूँ तो उसमें से कुछ हमारे युवा इस प्रकार से ऐसे को लिखते हैं कि पहला पैराग्राफ दूसरे पैराग्राफ से समायोजित नहीं हो पाता है। ठीक, तो ये सब कदापि आपको गलती नहीं करना, तो फिर इसको सुधारेंगे कैसे, तो आइए जानते हैं इसके सुधारने से संबंधित क्या महत्वपूर्ण रणनीति है। फ्रेंड्स, जैसा कि मैं आप सभी को अवगत करा चुकी हूँ कि हमेशा प्रस्तावना आपकी होनी चाहिए। यदि प्रस्तावना आपकी अपनी अभिव्यक्ति होती है, अपने विचार होते हैं, आपके अपने दृष्टिकोण होते हैं कि कैसे आप उस ऐसे को समावेशी रूप से लिखते हैं तो आप अधिकतम अंक प्राप्त करते हैं। आप में से बहुत सारे हमारे युवा किसी भी एक टॉपिक से रिलेटेड एक ही प्रस्तावना बहुत सारे युवाओं द्वारा लिखा जाता है, और ये मैं कैसे एनालिसिस कर लेती हूँ, मैं इस प्रकार से एनालिसिस करती हूँ। पहला, जब मैं निबंध से संबंधित कॉपी को जांच करती हूँ तो मुझे लगता है कि ये तो प्रस्तावना बहुत ही अल्टीमेट है, तो फिर मैं उनका मूल्यांकन करके उनको अधिकतम अप्रिसिएट करती हूँ। बट जब सेकेंड, थर्ड, फोर्थ सेम उसी प्रकार के प्रस्तावना मुझे दिखने शुरू हो जाते हैं, मिलने शुरू हो जाते हैं, तो फिर मैं रियलाइज करती हूँ ये कहीं ना कहीं से अवश्य ये प्रस्तावना
आप लोग देखकर इसको उतारे हैं, जिसके क्रम में मुझे फील होता है कि आपकी अपनी विचार अभिव्यक्ति नहीं है। तो साथियों, जब मुझे फील हो सकता है तो फिर एग्जामिनर भी तो ये फील करेंगे, और संभव ये तो है नहीं कि प्रथम स्टूडेंट आप हो सकता है कि बात की कॉपियों में आपका कॉपी हो, तो ये गलती कदापि नहीं करेंगे। प्रस्तावना हमेशा अपने विचार अभिव्यक्ति के माध्यम से ही प्रस्तुत करेंगे। आज मैं आप सभी को कुछ गुरु मंत्र दे रही हूँ प्रस्तावना शुरू करने के लिए। जैसे कि आप शुरू कर सकते हैं, जैसा कि कहा गया है कि जिस देश में नारी का सम्मान होता है उस देश का सुख समृद्धि और विकास का मार्ग सदैव ही प्रशस्त होता है। आप इस लाइन से अपने निबंध की शुरुआत कर सकते हैं, जैसा कि, ठीक, इस जैसा कि शब्द को कहां कहां प्रयोग कर सकते हैं। देखिए, जैसा कि कहा गया है कि जहां पर भी पर्यावरण संरक्षण के लिए कार्य किया जाता है उस देश का सदैव ही विकास सुनिश्चित होता है। अब फिर उसके बाद आप अपने पर्यावरण से संबंधित जो टॉपिक है उससे रिलेटेड आप 3 से 4 लाइन अपने पैराग्राफ में प्रथम प्रस्तावना के क्रम में लिखेंगे। इस प्रकार से साथियों, ये आपकी अपनी अभिव्यक्ति होगी। और अन्य जो टॉपिक है उनकी शुरुआत कैसे करें ऑलरेडी मेरे द्वारा बताया जा चुका है। ऐसे ही साथियों, जब हम दूसरे पैराग्राफ में आते हैं और जब हम निबंध के मुख्य भाग को लिखना आरंभ करते हैं तो उसको कैसे जोड़ते हैं धारा प्रवाहता क्रम में, ऐसे जोड़ सकते हैं आप। हर्ष की बात है कि आज भारत सरकार, राज्य सरकार या जो मेन पार्ट है उसको आप समायोजित करते हुए लिख सकते हैं। और इसी प्रकार से जब चुनौतियों के बारे में लिखने के से संबंधित आप पैराग्राफ को आरंभ करते हैं तो कैसे स्टार्ट करेंगे उसके बारे में सुने। चुनौतियों के संबंध में मैं बता रही हूँ, ध्यान दीजिए। जब आप निबंध के मुख्य भाग को लिख लेते हैं उसके बाद आप उपलब्धियों को लिखते हैं, ठीक है। उसके बाद तीसरे क्रम में, अर्थात पहला प्रस्तावना हो गया, दूसरा क्या हो गया निबंध का मुख्य भाग हो गया, तीसरा क्या हो गया उपलब्धियां हो गया, चौथा क्या हो गया चुनौतियां हो गया, ठीक है। और चुनौती को किस शब्द वाक्य से आरंभ करेंगे, आप ऐसे आरंभ करेंगे कि निश्चित रूप से आज तमाम उपलब्धियां इस क्षेत्र में, इस क्षेत्र का मतलब जो संबंधित टॉपिक का हो वो आप लिखेंगे, ठीक है, इस क्षेत्र में है। बावजूद आज हम देख रहे हैं कि विभिन्न चुनौतियां समस्याएं हम फेस कर रहे हैं, और फिर जितनी चुनौतियां हो उनको आप क्वामा के माध्यम से लिख सकते हैं, ठीक है। और फिर समाधान कैसे करेंगे, समाधान अतः से आरंभ करेंगे, अतः आज आवश्यक है उपरोक्त समस्त चुनौतियों को दूर करते हुए, और फिर अपने जो समाधान के जो बिंदु हैं उनको आप क्वामा के माध्यम से लिख सकते हैं। ध्यान रखें, जो चुनौती आप लिखते हैं समाधान लिखते हैं, पूरा क्वामा के माध्यम से नहीं लिखना है। 4 चुनौती लिखें, 4 क्वामा लगाइए, फिर 2-3 सेंटेंस बढ़ाइए, फिर क्वामा लगाइए। इस प्रकार से विश्लेषण भी हो जाएगा, तथ्य भी हो जाएगा, और आपका जो निबंध से संबंधित पैराग्राफ है वो एक समग्र दृष्टिकोण से परिपूर्ण हो जाएगा। तो इस क्रिया को यदि आप अपने निबंध लेखन में अपनाते हैं तो आप अवश्य ही बेहतर अंक प्राप्त करेंगे। फ्रेंड्स, मेरा पूरा प्रयास है कि आप सभी को निबंध लिखने के स्किल को टोटली रूप से आप सभी को आत्मनिर्भर बना दो। किसी भी टॉपिक पर किसी भी प्रकार से निबंध पूछा जाए आप सभी बेहतर से बेहतर निबंध लिख सके। और इसी उद्देश्य के साथ साथियों, मेरे द्वारा हर सप्ताह आप सभी के बीच एक निबंध टेस्ट सीरीज के रूप में लाया जाता है, और उसके बाद अगले सप्ताह उस टॉपिक से रिलेटेड जो बेहतर बेहतर निबंध होते हैं उनसे संबंधित कॉपियां आप सभी के बीच इसी YouTube चैनल के माध्यम से लाई जाती हैं, ताकि आप समझ सके, जान सके कि कैसे निबंध को लिखना है, कैसे चुनौतियों को जानना है, कैसे समाधान पक्ष को ढूंढना है। इन तमाम पक्षों को आप सभी के बीच लाया जाता है। फ्रेंड्स, आप सभी को अवगत कराना है कि जब मेरे द्वारा कुछ बेस्ट निबंध आप सभी के बीच लाए जाते हैं और उनमें आप सभी को जो मुख्य भाग भारत सरकार, राज्य सरकार की योजनाएं बताई जाती हैं उसको आप अवश्य ही नोट डाउन कर लिया करें, ठीक है, पॉइंट टू पॉइंट। ऐसी चुनौतियों को भी नोट डाउन कर लिया करें और समाधान पक्ष को भी नोट डाउन कर लिया करें, जो भी बेहतर लगे उसको आप बार बार रिवीजन करें। तत्क्रम में फ्रेंड्स, आप अपने स्किल को डेवलप करने के लिए, अर्थात ऐसी राइटिंग स्किल को डेवलप करने के लिए बार बार निबंध को लिखने का अभ्यास करिए। जब आप इस क्रिया को अपनाएंगे तो 100% आप एक बेहतर निबंध जरूर लिखेंगे। फ्रेंड्स, इसी आशा संदिग्ध विश्वास के साथ आप सभी
से मैं एक वादा लेना चाहती हूँ कि आप अवश्य ही पूर्ण कर्मठता के साथ अपनी तैयारी को आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि आज हम सभी का यह नारा होना चाहिए कि धन को धूल समझती हूँ, जीव धन को समूल समझती हूँ। धन को धूल समझती हूँ, जीव धन को समूल समझती हूँ। मैं बिटिया हूँ नवभारत की, विद्या धन को अमूल समझती हूँ, विद्या धन को अमूल समझती हूँ। जब यह मुक्तक हमारे जीवन में उतर जाता है तो न सिर्फ हम अपनी लेखनी क्षमता, वक्तव्य क्षमता और कार्य क्षमता को डेवलप करते हैं, बल्कि अपने कर्तव्य, अपने अधिकार के माध्यम से हम अपने आसपास के वातावरण को भी परिपक्व करते हैं। और इस प्रकार से जब ये क्रिया प्रतिक्रिया आपके दिनचर्या में आने लगती है तो आप हर क्षेत्र में सफल होने लगते हैं। तो मुझे पूरा भरोसा है फ्रेंड्स कि आप सभी अवश्य ही अच्छी भावनाओं के साथ अपनी तैयारी को आगे बढ़ाएंगे और पूर्ण कर्मठता के साथ एकमात्र लक्ष्य आप सभी का होना चाहिए कि प्रत्येक दशा में आप सभी को इस बार समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी परीक्षा में सफलता प्राप्त करना है। नेक्स्ट अटेम्प्ट का बिल्कुल भी फिक्र नहीं करिएगा, ठीक है। हालांकि अब वह दौर बीत गया है जब वर्षों में समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी से संबंधित विज्ञापन आता था। अब वो दौर आ गया है जब लगातार आप सभी के बीच विज्ञापन आने की पूरी संभावना है, ठीक है। तो इसी क्रम में फ्रेंड्स आप सभी अवश्य ही इसी अटेम्प्ट में अपने अंतिम लक्ष्य को प्राप्त करेंगे, और जब तक लक्ष्य को प्राप्त न कर लें तब तक किसी भी अन्य गतिविधि में संलग्न न हो, क्योंकि आप सभी के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है अपने लक्ष्य की पूर्ति करना। आप सभी को ढेरों शुभकामनाएं, आप अवश्य ही अपने लाइफ में सक्सेस हो। ऑल द बेस्ट।